हेलो फ्रेंड्स, मैं चैप्टर पानी पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका लखनऊ पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो एक ऐसे प्लांट के ऊपर है जो सभी के घरों में बहुत मुश्किल से मिलता है और इसको बोलते हैं वर्सिया पेरिनाटा। ये कई कलर में आता है और कई प्रजातियों में भी आता है। इसको हम ब्लूमिंग स्वार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आप चाहें तो इस पौधे को अगर नर्सरी में मिलता है या ऑनलाइन मिलता है तो खरीद कर आप इसको जरूर लगाएं। ये एक हार्डी प्लांट है और इसी में से ये अपने प्लांट दोबारा प्लांट को निकालता रहता है, यानी अगर आप दोबारा इसमें से पौधा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी में से निकलता रहता है। इस प्लांट के ऊपर मेरा यह पहला वीडियो है, लेकिन इसको देखिए कितना सुंदर लगता है जब ये निकलता है। पूरा नीचे तक आप देखिए कितना सुंदर लगता है। इस प्लांट को अपने घर में जगह दीजिए। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत थोड़ी थोड़ी इसको पसंद है। तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर रोशनी या प्रकाश थोड़ा आता हो लेकिन ज़्यादा ना आता हो, डायरेक्ट इसके ऊपर ना पड़े। तो आज हम इसको ये छोटे 6 इंच के गमले में लगा हुआ मैं नर्सरी से लेके आया था, अब इसको हम पॉट करेंगे, रिपॉट करेंगे। ये मेरे पास 12 इंच का गमला है जिसमें ड्रेनेज होल खूब हैं और इसमें ड्रेनेज होल और हम कर लेते हैं। इसी ड्रेनेज होल को हम खोल लेते हैं, इस तरह से ये खुल जाएगा। और इसको भी जिस तरह से अन्य पौधों को भी पानी पसंद है, लेकिन पानी ऐसा होना चाहिए कि पानी डालते ही पौधों को जितनी आवश्यकता है वो ले ले, इसके बाद पानी निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सॉइल की विशेष बात यहाँ करनी है। ये सॉइल जो मैंने सामने ले रखा हुआ है, इसमें मैंने सेंडर मिलाया हुआ है, 25% सेंडर। सेंडर आप जानते हैं कोयले का टुकड़ा होता है, पत्थर के कोयले का टुकड़ा जो फैक्ट्रियों से निकलता है जलने के बाद, उसी को तोड़ करके लोग मार्केट में बेचते हैं। तो वो मैंने ले रखा है, ये देखें आप, सेंडर है ये 25% मैंने इसमें मिला दिया है। कुछ राइस हस्क के टुकड़े भी इसमें पड़े हुए हैं, ये मैंने मिलाया हुआ है। मिट्टी मैंने बहुत पहले बना ली थी। और इसके अलावा इसमें गार्डन सॉइल की मात्रा ज़्यादा है, 50% है। और इसमें हम कुछ मिलाएंगे अलग से। ये हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट मेरी खत्म हो गई है, तो सड़ी हुई गोबर की खाद मैं इसमें मिला दूंगा ताकि पौधे को न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलता रहे, तो पौधा खूब ग्रोथ करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं इसमें और मिलाने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। आप देखिएगा एम्पॉक्सिलिन कॉम्बी 2, ये क्या चीज़ है, ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये पौधे को बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच एम्पॉक्सिलिन कॉम्बी 2 का डाल देंगे ताकि पौधे के भोजन में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। इसके अलावा हम नीम खली मिलाएंगे इसके अंदर 1 मुट्ठी ताकि पौधे को फंगस से बचाया जा सके। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये पौधे को न्यूट्रेंट भी प्रदान करती है, सूक्ष्म तत्व भी इसमें रहते हैं तो पौधे को प्रदान करती है। और ये आयरन है, चिलेटेड आयरन है। ये चिलेटेड आयरन मैं इसको थोड़ा सा पौधे को दूंगा ताकि पत्तियों में कोई पीलापन ना आए, और पत्तियों में अगर पीलापन आता है तब पौधा आपका चलेगा नहीं काजी से, तो पीलापन ना आए इसके लिए हम इसको दे रहे हैं। आप देखिएगा इसको हम खोल लें पहले, चिलेटेड आयरन बहुत ज़रूरी है, आप मंगा लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए आयरन को। ये देखिए खुल गया, ये तो ये उत्कर्ष कंपनी का है चिलेटेड आयरन। मैं इसको देता हूँ हाथ से निकाल करके, ये चम्मच यहाँ मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा आप देखिएगा कितना देना है, ये लगभग 1 चम्मच के बराबर इसमें आप डाल दीजिए। अगर आप इसमें नहीं डाल पाते हैं सॉइल में तो आप पानी में मिला करके इसको वाटिंग कर दीजिए। अब ये हमारा सॉइल जो मैंने बनाया ये रेडी हुआ। इसमें मैंने फिर आपको रिमाइंड कर दूँ, इसमें मैंने 25% सेंडर ले रखा है, थोड़ा बहुत 10% के करीब राइस हस्क है, 50% मिक्स गोल्डन सॉइल है अच्छे से, और लगभग 10 से 15% के करीब इसमें आपका सूखी हुई गोबर की खाद है। अब हम इस सबको आराम से मिला लेंगे। नीम खली भी मैंने मिलाई है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बी 2 भी मिलाया है और आयरन भी मिलाया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। नर्सरी वाले जब देखते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती नहीं है पौधे में, इसलिए पौधा का ग्लो और पौधे की जो बढ़त है वो रुक जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे मिला लीजिए खूब, और खूब अपने हाथों से ऐसे मिला लीजिए। इसमें जो ये कुछ खरपतवार हैं इसको निकाल दीजिए, पत्तियां भी निकाल दीजिए, कोई चीज़ ना रहे, बेल डेंस वाली तैयार है हमारी आपकी। अब क्या करेंगे, गमला लेंगे। बहुत से लोग गमले के ऊपर टिपरी रख देते हैं, अच्छी चीज़ है, रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रखता हूँ टिपरी। अब आप इसको लगभग आधा गमला हम फिल करते हैं, मेरे पास जगह इतनी है इसलिए इसी में वीडियो बन रहा है, आप देखते रहिए। ये लगभग ये हमने फिल कर लिया, आप देखिए। अब फिल करने के बाद इसको हम यहाँ से हटाएंगे, इधर करेंगे, तब हम पौधे को उठाएंगे। ये पौधा मैंने लिया, इसको निकालने का आसान तरीका है, चारों तरफ आप दबा दीजिए, इसकी रूट्स ढीली हो जाएं, फिर इसको हाथ लगाइए ऐसे और ऐसे
भोंग दीजिए। देखिए बहुत पानी था इसमें, ये देखिए सॉइल की कंडीशन, केवल मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी में पौधा ग्रो नहीं करता है। अब इसके सॉइल को हम थोड़ा हटाएंगे, केवल मिट्टी आप डाल देंगे तो मिट्टी में पौधा ग्रो नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इन्होंने, ये इसकी जड़ है, देखिए रूट देखिएगा इसकी, ये है जड़ इसकी। अब रूट फैलेगी इसकी, खूब कायदे से इसका विकास होगा और रूट इसकी फैलेगी। अब इसको हम ऐसे इसी में सेट कर देंगे, इसको हटाएंगे, इस सॉइल को भी हटा देंगे जो इसमें लगा हुआ था पहले से। हम कैसे फिल करते हैं, जो मैं भर रहा हूँ चारों तरफ से दबा दूंगा इसको, इसके बाद दूसरी साइड में जाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा और फिर हाथ से हम इसको फिल करेंगे। पौधों को आपके हाथ का स्पर्श बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखिए। लोग दस्ताना पहन लेते हैं तब लगा, अरे लगाने के बाद जाइए हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, साबुन से धो लीजिए, नहीं तो पौधे को आप अगर नहीं शौक रखते हैं और छूना भी नहीं चाहते हैं, सारा काम माली से कराना चाहते हैं, तो न तो आप पौधे के बारे में कुछ चीज़ जान पाएंगे और ना पौधा आपकी कोई मदद करेगा, वो भी सूख जाएगा आपके लगाने के बाद। पौधे को अपने एटमॉस्फेयर में लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पौधे के पास कम से कम 15 से 10 मिनट आप खर्च कीजिए, तब पौधा आपका खूब अच्छे तरीके से चलेगा। और हमको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतना बड़ा तसला है मैं लेके बैठा हुआ हूँ कि हम कायदे से मिट्टी नहीं मिला पा रहे हैं। देखिए मैं मिला रहा हूँ एक एक करके, उठा उठा करके, किसी भी तरह हो, कोई परेशानी हो उसको छुपाइए नहीं, उसको आप पौधे के साथ अपने आप को इंटीमेट कीजिए, जोड़िए अपने आप को, तब आपका काम चलेगा। और इसके बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो बहुत दोनों खुशी होती है। ये पूरा मैंने भर दिया, अब इसको हटाते हैं तभी मेरे पास जगह आएगी। ये मैंने पौधे को सेट किया इसमें, कितना करते हैं। अब इसमें वाटिंग करना है, लेकिन वाटिंग करने से पहले जो ये नेसेसरी पत्तियां लिखी हुई हैं इसको हम निकाल देंगे कैंची की सहायता से, क्योंकि इन पत्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से पत्तियां नहीं निकालेंगे तो नई सोर्स बन के नहीं आएंगी। ये पत्तियों को हमने निकाल दिया, जो पत्तियां नीचे गिर रही हैं। अब देखिए पौधे का लुक, अब आपके पास जगह ही जगह हो गई। ऐसे पत्तियां जो नीचे गिरती रहे उनको निकालते रहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसको खूब बराबर से ठोक दीजिए इस तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जानकारी जरूरी है सबको देना, इसलिए वीडियो बनाया जाता है। और कोई बात नहीं, जानते तो सब हैं कि पौधा मिट्टी में लगता है, लेकिन कहाँ लगा पाते हैं, कहाँ देखभाल कर पाते हैं। इस पौधे को आप लगाइएगा, इस पौधे का नाम मैंने नोट करके रखा हुआ है, विरेसिया टेरिनाटा। इसको आप लगाइएगा खूब कायदे से। अब इसमें वाटरिंग देना है, वाटिंग ये मैंने बना रखा हुआ है, इसमें मैंने ह्यूमिक गोल्ड 98% आधा चम्मच मिला रखा हुआ है। इससे क्या होगा, जड़ों का विकास होगा, पौधे को ताकत मिलेगी, जड़ मिलेगा, जड़ में पानी मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो पौधा अपने आप डेवलप करेगा। तो हम इसको पानी मिला के डालेंगे, इसमें ह्यूमिक एसिड 98% गोल्ड ह्यूमिक एसिड पहले से मैंने मिला के रखा हुआ। अब देखिए मैं दे रहा हूँ पानी, चारों तरफ घुमा घुमा के दूंगा। वीडियो कैसे भी बने इंफॉर्मेशन फुल होना चाहिए। अब थोड़ी देर रुकते हैं, अभी देखिएगा कुछ ही मिनट के बाद ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। अब इसमें ज्यादा वाटिंग मत कीजिए पौधे में, इसमें इस पौधे में ज्यादा वाटिंग मत कीजिए। जब आप सॉइल को चेक कर लीजिए कि इसमें पानी की आवश्यकता है तभी आप इसमें पानी डालिए और पानी बेल ड्रेन होकर के निकल जाए। अभी तो मैंने नया सॉइल डाला है तो पानी तो पूरा इसी में जाएगा, बेल ड्रेन होकर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर सेंडर होता तो निकल जाता, टोटल सेंडर होता तो निकल जाता, लेकिन हमेशा पानी देने से पहले आप इसको चेक करके, सॉइल को चेक करके तब पानी दीजिए। पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे करते रहिए ताकि पत्तियाँ चमकदार बनी रहें। आप पत्तियों के ऊपर क्या चीज़ स्प्रे करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। 1 लीटर पानी के अनुसार मैं बताऊँगा, 1 लीटर पानी में आप सुपर सोनाटा ले लीजिए, सुपर सोनाटा आता है। 1 लीटर पानी में 5 ml दवा मिला करके हफ्ते में एक बार आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो वो शाइनिंग बनी रहेगी और किसी तरह के पेस्टिसाइड्स का या किसी तरह के कीड़े मकोड़ों का प्रकोप इसके ऊपर नहीं होगा और आपका पौधा खूब अच्छे तरीके से चलेगा। देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा मेरी तरफ पानी बचा है वो भी अभी निकल जाएगा। पानी कम दीजिएगा, हर बार ह्यूमिक एसिड मिला के नहीं देना है, ये 15 से 20 दिनों के अंतराल पर ह्यूमिक एसिड मिला के दीजिए। बाकी फर्टिलाइजर मैंने इसमें दे दिया है, कुछ और फर्टिलाइजर आज को आपको इसमें ऐड करना है तो सी विद ग्रेन्युअल 15 दिन में एक बार इसके चारों तरफ आप दे सकते हैं।
दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा जो वेरेसिया पेरिनाटा के ऊपर था, हमें आशा है अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आप इस पौधे को मंगाइए और इस पौधे को आप लगाइए अपने घरों में, बिल्कुल शेड एरिया में रखिए, छन के धूप जहाँ इसको मिले कायदे से चलिए, ताकि आपके घर की सुंदरता, गार्डन की सुंदरता बनी रहे। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बनाई हुई वीडियो पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।